बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम अपना मूल्यांकन करो कि तुम में गुरु चरणों का प्रेम बढ़ रहा है या मायावी मोह। सद्गुरु का प्रेम तुम्हें सचखंड में पहुंचावेगा और मायावी मोह 84 के चक्कर में डालेगा। गरीबी की गदा लेकर जगत पर विजय प्राप्त करो। जितना हो सके वाद विवाद को छोड़ विनम्र होना सीखो। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो सांसारिक लोगों से घनिष्ठ संबंध ना रखो। जगत में साधारण व्यवहार करते हुए चलो और हृदय की तार मालिक से जोड़ो। जो समय व्यतीत हो गया उसकी चिंता ना करो, भविष्य की चिंता भी ना करो। वर्तमान समय में मालिक की मौज में प्रसन्नचित एवं संतुष्ट रहो। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाओ। सद्गुरु की प्रसन्नता व अप्रसन्नता को दृष्टि में रखते हुए भी मनमति से चलोगे तो धोखे में रहोगे और बाद में पछताओगे। मन तथा इंद्रियों को गुरु शब्द से नियंत्रित करो। तन मन धन को गुरु सेवा में लगाकर एकांत सेवन का लाभ उठाते हुए संतोष तथा धैर्य से आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते जाओ। हे रूहानी राह में चलने वाले सद्गुरु के सेवक, भक्तों की कथाएं सुनकर तुम्हारे हृदय में भी यह अभिलाषा होती होगी कि जैसे प्रभु अपने अनन्य भक्तों के साथ हमेशा लीलाएं करते आए हैं, वैसे ही कृपा का पात्र मैं भी बन सकूं। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ऐसी लीलाएं देखने के लिए मुझे भी वह प्रेम भक्ति श्रद्धा और विश्वास प्रदान करो ताकि मैं आपके सत्य रूप को पहचान सकूं। एक तो मधुर बोलो, दूसरा किसी के अवगुण प्रकट ना करो, अपने अवगुणों को सुधारो। नियम से जपो गुरु का नाम, मन से त्यागो मोह और काम। सेवो सद्गुरु आठो याम, जो पहुंचावे तुम्हें निज धाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम कल अगले 10 वचनों के साथ एक नया वीडियो लेकर आएंगे। जय सच्चिदानंद जी।